नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज हमारे देश की राजधानी दिल्ली दरिया जैसी नजर आई। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक सिर्फ एक घंटे की सुबह बारिश के बाद दिल्ली डूब गई। सड़कों पर बाढ़ दिखाई दी, गाड़ियां पानी को चीर कर चलती हुई दिखाई दी। कई जगहों पर गाड़ियों के बंद पड़ जाने से रफ्तार पर ब्रेक लग गया। लंबे लंबे जाम का दिल्ली वासियों को सामना करना पड़ा। दिल्ली की ये 10 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो ये साफ बता रही हैं कि हमारी दिल्ली कितनी लाचार है। और ये नौबत सिर्फ इस बार या आज एक घंटे से कम की बारिश में नहीं आई है। इसी तरह की तस्वीर हम हर साल दिल्ली में देखते हैं। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से लेकर इंडिया गेट तक दक्षिण दिल्ली के पॉश इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए। संगम विहार में थाना डूब गया, एयरपोर्ट जा रही बस स्विमिंग पूल में बदल गई। देखिए, ये प्रगति मैदान है, यहाँ की तस्वीरें पूछ रही हैं, और कितनी प्रगति चाहिए। घंटे भर की बारिश में घुटने भर ही तो पानी भरा है, एक बस ही तो बंद पड़ी है, कुछ ऑटो वाले ही तो पैदल हुए हैं। चलिए ठीक है कि एक स्कूटी भी बंद पड़ गई है, फिर भी प्रगति कम नहीं है। तो सारी तकलीफ भूल जाइए और धक्का लगाइए। बारिश में पसीना बहाने और धक्का लगाने को सजा न समझिए, मुस्कुराइए कि आप राजधानी दिल्ली में हैं। आरके पुरम के सेक्टर 7 के इस जल भराव पर न जाइए, कुछ घंटों में सब ठीक हो जाएगा और बात आई गई हो जाएगी। इंडिया गेट के आसपास की इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए कि देश ने कितनी तरक्की की है, दिल्ली कहां से कहां पहुंच गई है। तरक्की की एक और तस्वीर देखिए। आपने बाढ़ में और सैलाब में फंसी बसों को बहुत देखा होगा, अब बस में बाढ़ देखिए, वो भी दिल्ली एयरपोर्ट जाने वाली बस में। सवारियों के पसीने छूट रहे हैं, हैरान परेशान हैं कि बस सड़क पर चल रही है या किसी दरिया में जा घुसी है। आखिर थोड़ी सी बारिश के बाद ऐसे हालात कैसे बन गए? ऐसे सवालों के जवाब तो सरकार ही दे सकती है, मगर सरकारी अमलों के पानी में डूबने की तस्वीर किसी को भी लाजवाब कर देगी। ये संगम विहार थाना है, बारिश के बाद थाना डूब गया। सामने ITBP कैंप की दीवार है जो बरसाती बाढ़ के आगे ढाल बनी खड़ी है। नतीजा ये कि थाना लबालब है। जब पुलिस वाले ही लाचार हैं तो आम लोगों की बात ही क्या करें। देख लीजिए दिल्ली के अलकनंदा इलाके का हाल। हर हर गंगे हर हर जमुने, सबके दर्शन यहीं कर लीजिए। यहाँ सैलाब है और सैलाब से जंग, और उसके बीच डूब डूब कर निकलती जिंदगी का अद्भुत संगम। तो दिल्ली का आरके पुरम हो या इंडिया गेट, सिस्टम की नाकामी ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। गौर कीजिए कि दिल्ली में आखिर कितनी बारिश हुई। सफदरजंग में 100 मिलीमीटर, लोधी रोड में 87, आया नगर में 70, दिल्ली एयरपोर्ट पर 68 और रिज में तो महज 38 मिलीमीटर। पीतमपुरा में उससे भी कम 30 मिलीमीटर बारिश हुई। मानसून में इतनी बारिश होना कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी पूरी दिल्ली लबालब हो गई। इन सारी बातों को देखने के लिए सिस्टम है। केंद्र, राज्य, MCD, PWD सबके अपने अपने सिस्टम हैं, और वो दिल्ली को पूरी शिद्दत से शंघाई और लंदन बनाने में जुटे हैं। जब तक दिल्ली शंघाई और लंदन नहीं बनती, इन तस्वीरों और मुसीबतों की आदत डाल लीजिए। अनिशा माथुर और अरविंद ओझा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। ज्यादातर दिल्ली सुबह की बारिश में बेहाल नजर आई। कहीं सड़कों पर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई, पानी ने रास्ता रोक लिया, कहीं गाड़ियां बंद हो गई, लंबा लंबा जाम तो जगह जगह दिखाई दिया। आज तक के संवाददाता जगह जगह मौजूद थे और हमारी संवाददाताओं ने दरिया बनी दिल्ली के अलग अलग इलाकों का जायजा लिया। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। महज कुछ देर की जोरदार बारिश ने दिल्ली को लाचार कर दिया। सड़क सड़क सैलाब नजर आया, कारें, बसें, ऑटो, बाइक, छोटी बड़ी तमाम गाड़ियां दिल्ली के नामी गिरामी इलाकों में लहरों से जूझती हुई निकल रही थी। और इन सब के बीच मौसम विभाग का अनुमान डराने लगा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में अभी बरसात होती रहेगी, कई दिनों तक रुक रुक कर बारिश होगी। इफ यू कंपेयर द रेनफॉल इन 2021 विथ दैट ऑफ 2020 एज ऑन डेट, यू विल फाइंड दैट
The rainfall for the country as a whole was 4% above normal last year, and this year it is 1% below normal. देर से आया मॉनसून तबियत से बरसा तो दिल्ली का सिस्टम पनाह मांगने लगा. नालों की सफाई की बातें सरकारी बही खातों तक कैसे सीमित रह जाती हैं, ये साक्षात नजर आया. इस बद इंतजामी का तमाचा आम आदमी पर पड़ा, जो किस्मत में ही इस बद इंतजामी में फंसना लिखा है. आप ये देख सकते हैं यहाँ पर लाडोसराय से छतरपुर जाने वाली सड़क पे कितना ज्यादा जल भरा है, जिसकी वजह से एक तो ये गाड़ी खराब हो गई है और वैसे भी इतना पानी है कि गाड़ियां जो है ज्यादातर तो सिंगल लेन में चल रही है. यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के लोग और वॉलंटियर्स काफी देर से खड़े हुए हैं, कोशिश यही कर रहे हैं कि ट्रैफिक को किसी तरह से सुधारा जाए. जो जाम लगा हुआ है दोनों तरफ सड़क के, उसका कुछ किया जाए. इस मुसीबत से निजात कौन दिलाए? हजारों लाखों का टैक्स भरने के बाद भी जाम और सैलाब में फंसने पर इंसाफ कौन दिलाए? इंसाफ के मंदिर के सामने भी तो यही आलम है. राजधानी में बारिश के बाद सुप्रीम कोर्ट का हाल क्या है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ठीक बाहर की जो सड़क है वो दरिया बन गई है. और अगर आप देख पाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो बस स्टैंड है वो पूरी तरह से पानी में डूब गया है. इन सब के बीच जो भी यहाँ से गाड़ियां गुजर रही हैं, उनको काफी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. और आप देख सकते हैं किस तरह से बाइक सवार जो है हेडलाइट भी जला रहे हैं. आपको बता दें कि जगह जगह पर ये जो सुप्रीम कोर्ट के सामने की सड़क है आप देख सकते हैं ये खुदी हुई है. यहाँ पर निर्माण कार्य काफी दिनों से चल रहा है, लिहाजा जब जब बारिश होती है इस तरह से यहाँ पर सड़क का भरना लाजमी है. हफ्ता भर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उम्मीद जगाई थी. 19 जुलाई को केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा था, मॉनसून को देखते हुए दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर उप राज्यपाल जी की अध्यक्षता में पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, डीजेबी, आईएनएफसी के साथ समीक्षा बैठक की. मिंटो रोड जैसा सिस्टम दिल्ली के अन्य पॉइंट्स पर भी बनेगा. नालों और सीवर की नियमित सफाई, दिल्ली में बनाएंगे वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम. दरअसल हर साल डूबने वाला मिंटो रोड बेहतर ड्रेनेज सिस्टम की वजह से नहीं डूबा, लेकिन दिल्ली के बाकी इलाकों का उद्धार कब होगा, सरकारी बद इंतजामी हर मोड़ पर नजर आ जाती है. चंद मिनटों की बारिश, घंटे भर की भी बारिश नहीं है, और उसमें जो तस्वीरें हैं वो बताने के लिए काफी हैं कि कैसी व्यवस्था है और व्यवस्था क्यों चरमरा जाती है. पहले तो आप इस जल भराव को देखिए कि कैसे गाड़ियां इससे निकल करके जा रही है बमुश्किल, और इसकी वजह से अगर जाम ना लगे तो क्या. दूसरी तस्वीर, झरना की तरह से जो फ्लाईओवर है उससे पानी नीचे गिर रहा है, यानी जो व्यवस्था की गई है वहां पर कहीं पाइप टूटी हुई नजर आती है, पाइप भी फूटी हुई नजर आती है. यानी मॉनसून को लेकर के अलग अलग एजेंसियां बातें खूब करती हैं. बारिश में दिल्ली के दरियागंज बनने की कहानी किसी एक इलाके तक सीमित नहीं रहती, वो झील बन जाती है. मथुरा रोड से लेकर मोतीबाग और सरिता विहार से इंडिया गेट तक. राम किंकर सिंह और अनिशा माथुर के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक. अब यहां पर सवाल ये उठता है कि दिल्ली हर साल क्यों डूब जाती है? देश की राजधानी दिल्ली का आखिर ऐसा हाल क्यों है? हमने इसकी पड़ताल की और जानकारों से भी बात की कि ऐसा क्यों होता है. दिल्ली के दरिया बनने की नौबत आखिर क्यों आती है, देखिए. ये दिल्ली बार बार डूबती क्यों है? थोड़ी सी बारिश में दरिया क्यों बन जाती है? क्यों दिल्ली की रफ्तार बारिश के कुछ बूंदों की वजह से ही थम जाती है? इस मुसीबत की वजह एक नहीं कई हैं. सबसे बड़ी वजह है शहर के बुनियादी ढांचे और डिजाइन में कमी. एक और बड़ा कारण नालियों का प्रबंधन करने वाली एजेंसियों की लापरवाही है. पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड समेत कई एजेंसियों के बीच तालमेल की भी कमी है. इसके अलावा दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम बरसों पुराना है. इसकी मरम्मत तो होती है लेकिन इसे पूरी तरह बदलने की जरूरत है. 1976 में दिल्ली सरकार ने आखिरी बार जल निकासी मास्टर प्लान तैयार किया था. बीते 42 साल में राजधानी की आबादी 4 गुना बढ़ गई है, इसके बावजूद ड्रेनेज सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. आपदा प्रबंधन के जानकारों के मुताबिक बेहिसाब निर्माण की वजह से पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिलता. इन्हीं बेसिन में अगर हम देखेंगे तो पिछले वर्षों में हमने इतना कंक्रीट बिछाया है, सब जगहों को पक्का कर दिया है, सड़कें बना दी हैं कि पानी को ज़मीन में घुसने का स्थान नहीं मिल रहा है, और इसके चलते गर्मियों में हमारा जलस्तर गिरता है, हमें पानी नहीं मिलता,
और जब बारिश होती है तो ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है बाढ़ की। इसके बावजूद दिल्ली के केंद्र में बेहिसाब निर्माण का काम चल रहा है, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री इसे वर्ल्ड क्लास बनाने का दावा करते हैं। ऐसे दावे पहले भी किए गए हैं और हर साल उन दावों की पोल ऐसी तस्वीरें खोल देती हैं। कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।